नमस्कार, रेसिपीज़ विद अनु में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन सूजी के लड्डू की एक अनोखी रेसिपी। बेसन सूजी का लड्डू तो आपने कई बार खाए होंगे, बट ये रेसिपी में हमने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड किया है जिससे बेसन सूजी के लड्डू का टेस्ट और भी इन्हांस कर देगा। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आपने लड्डू बनाए तो वो बहुत टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही आपके लड्डू सॉफ्ट बनेंगे। जो प्रॉब्लम मोस्टली आती है कि लड्डू कड़क हो जाता है या बाइंड नहीं होता, ये प्रोसीजर फॉलो करने से लड्डू बनाने पे ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं आएगा आपको। तो चलो देखते हैं क्या है वो स्पेशल इंग्रेडिएंट और कैसे बनाएं टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू। तो पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। घी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद हमने ऐड किया है 1 कप सूजी रवा और इसे हमने स्लो फ्लेम पर 1 मिनट तक रोस्ट किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन। हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और रोस्ट करेंगे स्लो फ्लेम पर। उसके बाद हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून घी, इसे भी हम मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर। उसके बाद हमने ऐड किया है ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम और पिस्ता ऐड किया है। आपके हिसाब से कोई भी आपका मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून की और ऐड कर दिया है और साथ ही हमने 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। हम और 1 टेबलस्पून घी इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल हमने 1/2 कप से थोड़ा सा कम घी का इस्तेमाल किया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम चलाते हुए पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो टोटल हमने 17 से 18 मिनट तक बेसन सूजी को रोस्ट किया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये रेसिपी बनाते वक्त आप टाइम और फ्लेम का ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि आपका इन्ग्रीडियंट्स ओवर रोस्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए हमने 1/2 कप चीनी लिया है और 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और थोड़ा गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना होगा। ऐसा 1 तार छूटने तक हमें उसे पकाना होगा। हमें टोटल 6 से 7 मिनट लगा है इसे पकाने के लिए। चाशनी बनकर रेडी हो गया है। हम इस मिश्रण में उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर देंगे। तो जो 1/2 कप में से थोड़ा सा बचा हुआ घी था, हमने वो भी ऐड इसमें कर दिया है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध को हमने हल्का गर्म किया है। दूध जो है आप थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड कीजिएगा ताकि आपका मिश्रण ज़्यादा गीला ना हो जाए। आप देख सकते हैं दूध के डालते ही मिश्रण का टेक्सचर चेंज हो गया है, काफ़ी दानेदार दिख रहा है। तो इससे लड्डू का टेक्सचर भी अच्छा आएगा, साथ ही टेस्ट भी अच्छा करेगा। हमने थोड़ा और दूध ऐड कर दिया है। इस तरीके से आप मिश्रण को अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि कोई लम्स ना पड़े और अच्छे से पूरा मिश्रण जो है मिक्स हो जाए। ये हमने मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे वो स्पेशल इन्ग्रीडियंट। तो हमने यहाँ पर डाला है नारियल का बुरादा। ये कोई भी ग्रॉसरी स्टोर में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। नारियल का बुरादा एक माइल्ड सा फ्लेवर ऐड करता है, बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर ऐड करता है जिससे लड्डू का टेस्ट और भी बेहतर हो जाता है। आप भी ज़रूर इसे ऐड कीजिएगा, आई एम श्योर आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और लड्डू बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। हम आपको ये जो लड्डू है उसे तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये अंदर से बिल्कुल ही दानेदार और सॉफ्ट है। अगर आपको जो है सेम साइज़ का लड्डू बनाना है तो आप ये सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी 1 टेबलस्पून का चम्मच यूज़ कर सकते हैं, उसमें मिश्रण ऐड करके सेम क्वांटिटी का लड्डू आप बना सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो लड्डू है वो सेम साइज़ का दिखेगा। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये लड्डू को बना लिया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसे बनाने में। और ये हमने इसे पिस्ता के साथ गार्निश कर दिया है।
और ये हो चुका है हमारा बेसन सूजी का टेस्टी दानेदार लड्डू तैयार। आप सेम प्रोसेस फॉलो करके लड्डू बनाइएगा, आई एम श्योर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आपका मिश्रण कभी गीला भी हो जाता है तो आप फिक्र ना करें, आप जो है मिश्रण को थोड़ी देर रख दें और उसके बाद ट्राई करें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और लड्डू बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और ये लड्डू हमेशा सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होता है। ये लड्डू बनाने के बाद आप इसे डायरेक्टली पैक नहीं कीजिएगा, आप इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जो है आप इसे स्टोर करके आसानी से काफ़ी दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हमारा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमारी आने वाली रेसिपीज़ का वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।